नमस्कार, एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हमारे साथ है डॉक्टर राहुल कुशवाहा, जो नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। राहुल जी, आपका स्वागत करती हूं हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हम जानने वाले हैं नेचुरोपैथी क्या है और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, नेचुरोपैथी में कैसे लोगों को फ़ायदे हैं, किस तरह की जो बीमारियां होती है उसमें किस तरह से ट्रीटमेंट ली जाती है और कितने फ़ायदेकारक है, ये सब आज हम राहुल जी के साथ बात करेंगे। लेकिन राहुल जी, पहले मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आपने ये जो नेचुरोपैथी की पढ़ाई कहाँ पे की है और कितना समय लगा आपको ये सीखने में? मैं बताना चाहूँगा कि मैंने नेचुरोपैथी की पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से की, जी जो 5.5 साल का कोर्स है। जी जस्ट लाइक जैसे MBBS का कोर्स होता है, BMS होता है, वैसे ही हमारा नेचुरोपैथी का भी कोर्स है और जी ये 5.5 साल का होता है। जी और ये हमने BHU में, मैंने 2012 बैच में मैं था, और उसके बाद पास आउट होने के बाद 2018 में पास आउट हो गया। एंड उसके बाद से मैंने भिद्रा में काम किया, रतनवीर नेचर क्योर, देन आफ्टर जी लीलावती नेचर क्योर सेंटर को मैंने ज्वाइन किया। जी और यहाँ ज्वाइन करने के बाद हमने काफ़ी लंबे समय से मैं यहाँ पे हूँ, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। और यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स को हमने देखा और क्योर किया और उन्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिला, और जी जो भी पेशेंट यहाँ आते हैं वो काफ़ी खुश होकर जाते हैं। जी और मैं अपनी संस्था के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि जी हमारा जो संस्था है जिसमें अभी मैं कार्यरत हूँ, जी ये ओसवाल एजुकेशनल ट्रस्ट का एक मतलब अंदर आता है। जी और यहाँ पर हमारा एजुकेशन भी है, हमारी संस्था एजुकेशन के फील्ड में भी काम करती है और जस्ट जी अभी हेल्थ सेक्टर के फील्ड में भी अभी शुरुआत किया है। जी तो जो हमारा लीलावती नेचर क्योर है, ये अभी हम हेल्थ के लिए काफ़ी चीज़ों को नेचर के थ्रू सब बहुत सारे डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम अभी इस सेंटर में वर्क कर रहे हैं। जी तो मैं दर्शक मित्र आपको बता दूं कि ये जो लीलावंती नेचर क्योर एंड योगा रिसर्च सेंटर, जो जामनगर के एक थोड़े से जामनगर सिटी में ही जैसे बोला जाता है, लेकिन जामनगर के पास ही लाखा बावड़ करके एक छोटा सा गांव है, उसके अंदर ये पूरा नेचुरो थेरापी सेंटर बना हुआ है और काफ़ी बड़ी जगह में है। और काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं कि वो आप शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो राहुल जी, बहुत अच्छी बात है आप इस सेवा मतलब इस संस्था के साथ जुड़े हो और काफ़ी लोगों को आप ठीक कर रहे हो जो आते हैं यहाँ पे बीमारी लेके आते हो और अच्छे होकर जाते हैं। तो आगे चलते हैं, तब हम बात करेंगे। हाँ, पहले तो कि हम नेचुरोपैथी, आप डॉक्टर है तो नेचुरोपैथी क्या है वो हमारे दर्शकों को बताइए पहले। नेचुरोपैथी एक विदाउट ड्रगलेस सिस्टम से, जिसमें जी कि एनी किसी भी मेडिसिन का यूज हम नहीं करते हैं, बिना दवाओं के प्रयोग किए बिना हम मरीज को ठीक करते हैं। जी जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी चिकित्सा है जो सिर्फ नेचर पे आधारित है, जैसे मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, ये सब जो है बिना मेडिसिन के, जो हमें जी नेचुरल फॉर्म में मिलती है, जिसके द्वारा जी हम इलाज करते हैं, इसी को हम कहते हैं नेचुरोपैथी। जी तो नेचुरोपैथी जो है कि एक ऐसी विधा है, एक ऐसी पैथी है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान है, जो ये बताती है कि जो पहले हम दादी नानी के नुस्खे जिसे हम बोलते थे या जो चीज़ें थीं, कहीं जी ना कहीं वो सारी चीज़ें भी आपको नेचुरोपैथी में देखने को मिलेंगी। जी और नेचुरोपैथी जो है ये आप मान सकते हो कि जो हमारी पहले की जो धरोहर थी, जैसे हम बोलते थे कि बुखार हो गया जी तो आप मेडिसिन मत लो, जी जो है कि हम क्या करते थे, एक ठंडे पानी का कॉटन में ठंडे पानी को डिप करते थे और उसको माथे पर रखते थे, हाँ जी या जी उसको पूरे शरीर पे उससे हम क्या करते थे, ठंडे पानी का सेक जी देते थे जिससे कि जी टेम्परेचर डाउन हो जाए। डाउन हो जाए इट इज़ जी ये भी एक नेचुरोपैथी का ही भाग है। जी 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 बहुत ही अच्छी बात है, आपने बताया कि नेचुरोपैथी क्या है और हमारे दर्शक जो है वो भी काफ़ी समय से जानना चाहते थे कि एग्जैक्टली नेचुरोपैथी क्या है। तो हमने आज डॉक्टर राहुल जी से बहुत ही अच्छी तरह से जान लिया कि
ये क्या है और किस तरह से हम आगे चलेंगे तो ये बात करेंगे कि नेचुरोपैथी लोगों के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि आजकल की जनरेशन, आजकल का जो माहौल और जिस तरह से लोगों के अंदर जो बीमारियां तुरंत आ जाती है, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, बहुत कम लोगों के में सुना होगा कि इनको ये हुआ है, इनको ये हुआ है, लेकिन अभी ऐसे माहौल हो गया है कि हर घर में कुछ ना कुछ बीमारियां होती है। तो ये सब लोग जाते हैं एलोपैथी पे, कोई जाता है आयुर्वेदा में, कोई जाता है होम्योपैथ में, तो ये नेचुरोपैथी कितनी आवश्यक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जी आपने अभी बोला कि जी लोग अभी हर घर में न अभी हॉस्पिटल्स में ज़्यादा जा रहे हैं, कोई जी ना कोई बीमार पड़ रहा है, जी तो आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका सबसे बड़ा वजह जो है आज का हमारा आहार है, जो हमारा बिल्कुल भोजन जिसको हम बोलते बिल्कुल हैं डाइट, क्योंकि डाइट ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पहले के लोग बीमार कम पड़ते थे। वो इसका कारण ये था कि लोग पहले जो है डाइट को बहुत अच्छा रखते थे, जो उनका जी आहार था वो बहुत बढ़िया था। जैसे आप अभी गुजरात में आए, जी राजस्थान में गए, जी बहुत सारे जगहों पे आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के अपने अपने खाने के तरीके हैं, बिल्कुल तो उन सब का अपना अपना एक अलग महत्व है। आप जैसे कि राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ मिर्च का प्रयोग ज़्यादा है, आप गुजरात में आएंगे तो गुड़, हर चीज़ में जी थोड़ा गुड़ चीनी मिलेगा, जी एंड जस्ट अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर हैं। तो जो खाने का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है और हमारा लाइफ स्टाइल को पूरा चेंज कर देता है। जी तो जो लोग पहले के लोग बीमार इसलिए कम पड़ते थे क्योंकि उनका आहार बहुत अच्छा था, तो आहार अच्छा था इसलिए वो लोग बीमार कम पड़ते थे। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हम नेचुरोपैथी में आहार को एक तरीके से औषधि मानते हैं। फूड इज बिल्कुल योर मेडिसिन, जी ठीक है, तो हम नेचुरोपैथी में ये मानते हैं कि जो फूड है वो आपका एक तरीके से औषधि है जी और वो हमें कैसे लेना चाहिए और किस तरीके से उसको हमें अपने डे ऑफ लाइफ में लेना है, ये हमें नेचुरोपैथी में आकर बहुत अच्छे से पता चलता है। अगर सिर्फ अपने आप फूड को अगर आप अच्छा कर लेते हो जी तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जी एक एप्पल के बारे में एक चीज़ सुना होगा, वन जी एप्पल्स वन अ डे। सुना तो है, लेकिन आप हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए, तो उनको, जिनको नहीं पता है वो उनको समझ आ हाँ, तो जाएगा। जो बोलते हैं ना कि एक एप्पल आप रोज खाओ और जी आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत ज़रूरत नहीं नहीं होती होगी, तो जस्ट जी इट इज़ एक बहुत सही थ्योरी है। और इसके पीछे एक रीजंस भी है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जी एप्पल इज़ ए एल्कलाइन। जी तो अभी लोग अभी प्रेजेंट टाइम्स में लोग एल्कलाइन वाटर्स के काफ़ी बिल्कुल जो जी, है अभी बहुत चल रहा है ट्रेड में अल्कलाइन। है जी एल्कलाइन वाटर्स। जी तो अगर आप, एल्कलाइन क्या है एक तरीके से, एल्कलाइन एक ऐसा चीज़ है जो कि आपके डाइजेस्ट सिस्टम को इम्प्रूव करता है और आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है। तो आपको सिर्फ एल्कलाइन डाइट लेना है, तो जो एल्कलाइन डाइट का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं आपको एप्पल्स में दिख जाता है। तो जी आपके बॉडी जब तक एल्कलाइन रहेगी तब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। तो उसी सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं हम चीज़ों को पहले से ही जानते हैं लेकिन उसको हम अभी भूलते जा रहे हैं। तो प्लीज़ इनको यूज़ टू करिए और आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और आप बीमार कम पड़ेंगे। जी, मतलब लोगों के लिए नेचुरोपैथी, हमारा जो, मेरा जो क्वेश्चंस था कि कितनी आवश्यक है लोगों के लिए, तो मतलब आपका कहना यही है कि नेचुरोपैथी अब ज़्यादा लोग, क्योंकि ये लंबे समय के तक फ़ायदा रहता है, बाकी की चीज़ों में शायद शॉर्ट टर्म फ़ायदा रहता शॉर्ट है। टर्म्स जी मैं ये कह सकता हूँ कि नेचुरोपैथी एक ऐसी पैथी है, एक ऐसी जी विधा है जो कि आपको इंस्टेंट फ़ायदा तो नहीं देती लेकिन जी आपको लॉन्ग टर्म आपके लाइफ को कैसे अपने बढ़ाना है, आपको कैसे लाइफ को अपने और आगे बढ़ाते हुए आप अपने लाइफ को बढ़ा सकते हैं। जो आप 10 साल जीने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आप अगर नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं तो वो 10 साल और बढ़ जी जाएगा। जी तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल को सुधार अच्छा करने के लिए नेचुरोपैथी आज के समय में सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जी तो दूसरा मेरा क्वेश्चंस रहेगा कि नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और एलोपैथी में क्या फ़र्क है? नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और एलोपैथी ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं ये जी बताना चाहूँगा, जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जी वो बोलते हैं कि सर आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी में क्या अंतर है, जी तो हम भी बोलते हैं कि भाई ये तो सच बात है कि वहाँ भी आपको स्टीम बाथ दिया जाता है, हमारे यहाँ भी स्टीम बाथ दिया जाता है, आप उनके यहाँ बस्ती लेते हो हमारे यहाँ इनिमा दिया जाता जी है तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है।
एलोपैथ मॉडर्न मेडिसिन का यूज करता है, हम मॉडर्न मेडिसिन का यूज नहीं करते, क्योंकि हम मानते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन का जितना यूज करेंगे उसके साइड इफेक्ट्स उतने ही ज़्यादा होंगे। जी आयुर्वेदा, आयुर्वेदा इज ए बेस ऑन हर्बोलॉजी, बट लेकिन उसके साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट अलग है कि उसका कॉन्सेप्ट है वाता पित्ता कफा को बैलेंस करना ही आयुर्वेद है। जी और जो हमारा नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट है वो है मॉर्बिक मैटर, मतलब विजातीय द्रव्य, हमारे शरीर में जो विजातीय द्रव्य जो इकट्ठा हो जाते हैं तो उनके कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोई डिजीज या कुछ भी कहते हैं। जी तो जो ये डिजीज है उसको क्योर करने से पहले हमको जो हमारे बॉडी में जो विजातीय द्रव्य जो इकट्ठा हो रहे हैं उसको निकालना ही हमारा मेन उद्देश्य होता है। जैसे बोलते हैं ना जी कि आप डिटॉक्सिफिकेशन कराना, मतलब अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकालने के लिए हम फास्टिंग कर जी रहे हैं, हम डाइटिंग कर रहे हैं, या अपने जी बॉडी से गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं, इट इज़ डिटॉक्सिफिकेशन। जी तो जो डिटॉक्सिफिकेशन है वही नेचुरोपैथी का पार्ट है कि आपके बॉडी में जो मल बहुत लंबे समय से इकट्ठा है, आपके शरीर में जो अनप्योर ब्लड है बहुत समय से इकट्ठा हो रहा है, चाहे बहुत सारे ऐसे घाव हो गया और वो आपने क्या किया, स्टेरॉयड लिया, ये सब लिया, वो सप्रेस हो गया, लेकिन वो भी अंदर ही कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है और जो वो क्रॉनिक डिजीज के रूप में बाहर आ सकता है उसी को क्योर करने का काम करता है जी हमारा नेचुरोपैथी। जी तो नेचुरोपैथी का मेन कॉन्सेप्ट है कि मॉर्बिक मैटर्स जो विजातीय द्रव्य हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, जी आपके शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालना। जी और हमारा जो आयुर्वेद है वो फॉलो करता है वाता पित्त कफा को बैलेंस करना, मतलब वात पित्त कफ को बैलेंस कर लेना ही इट इज़ आयुर्वेद। तो जी नेचुरोपैथी आयुर्वेद बेसिकली ये कहा जाए कि ठीक है दोनों अपने अपने जगह पे सही है, तो वो एक अलग लेकिन हिस्सा है। लोगों को लेकिन ऐसा लगता है कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेद एक ही चीज़ है, तो उसका अंतर हमने बता तो दिया है, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों को हम बता दें कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा दोनों अलग चीज़ है। अलग अलग है जी, और और बहुत उसका ट्रीटमेंट भी अलग ट्रीटमेंट्स अलग है। अलग हैं। जी ट्रीटमेंट्स अलग अलग हैं, बट हमारे जैसे कि हम बात करें तो जैसे कि नेचुरोपैथी में अभी जो है आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट्स को भी हमने करना शुरू किया है, क्योंकि लोगों का डिमांड नेचुरोपैथी में भी आयुर्वेद का काफ़ी ज़्यादा है, तो जी इसलिए हम आयुर्वेद के ट्रीटमेंट्स को भी प्रिस्क्राइब करते हैं जी नेचुरोपैथी सेंटर्स में। जी जी राहुल जी, बहुत ही अच्छी आपने नेचुरोपैथी के लिए जानकारी दी है, और अभी भी थोड़े से मेरे और क्वेश्चंस रहेंगे, आपको उसके भी आंसर देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो पूरी तरह से आज जान ले कि नेचुरोपैथी क्या है, उनके फ़ायदे क्या है, उनके रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, अगर हम कुछ भी करवाते हैं ट्रीटमेंट तो उससे रिजल्ट कैसे मिलता है। पर राहुल जी, मैं और एक बात चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे कि लोगों को ऐसा है कि कुछ भी, हमें कुछ भी होता है, जैसे डायबिटीज हो, जैसे कोई भी अपनी शरीर में कुछ भी शारीरिक बीमारी हो, तो हम पहले सीधा जाते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपना चेकअप होने के बाद में जो भी दवाई लिख के देते हैं वो हम दवाई लेते हैं। तो मेरे ख्याल से हर जगह पे यही होगा कि यही होता है, बट कई जगह पे ऐसा भी होता है कि वो दवाई का असर लंबे समय के बाद में अपने बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता है। या तो ये साइड बात सही इफेक्ट्स, है क्या? हाँ तो साइड इफेक्ट्स उसी तो के आते ही बारे हैं। में हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको किस तरह का, आपको एलोपैथी और ये नेचुरोपैथी में क्या फ़र्क है एग्जैक्टली, कि दवाई से क्या इफ़ेक्ट होता है और इससे क्या इफ़ेक्ट होता है। देखिए जो नेचुरोपैथी है वो इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जी अगर हम बात करें कि जब हम एलोपैथ में जब जाते हैं तो क्या होता है कि हम क्योर तो अपने आप को कर लेते हैं, लेकिन हमें पता चलता है बाद में कि जो दवाओं से हम क्योर हुए उसका कहीं ना कोई साइड इफेक्ट्स हमारे शरीर पे हुआ जी है। जी तो जो ये साइड इफेक्ट्स जो होते हैं उनके बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं, किसी को गैस्ट्रिक फॉर्मेशन होता है, किसी को कुछ होता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जी लेकिन हमारे नेचुरोपैथी में ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जी नेचुरोपैथी में आपको सिर्फ नेचर के थ्रू ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जिसके द्वारा आपको क्योर किया जाता है, और इसमें ये नहीं है कि आपको आगे चल के इसके कोई साइड इफेक्ट्स मिलेंगे। जी नेचुरोपैथी जो है बल्कि आपको उल्टा अगर आप इसे लंबे समय तक फॉलो करते हो तो ये आपको और फायदा पहुंचाती है और आपके शरीर को जो है कि एक तरीके से स्ट्रांग करती है और आपकी इम्यूनिटी पावर को जितना हो सके उतना बढ़ाने की कोशिश करती है। हम मानते जी हैं कि हमारा शरीर अपने आप को खुद क्योर करता है, जी
तो बॉडी के अंदर इतनी रेजिडेंस है कि वो अपने आप को क्योर कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको आपको खुद समझना पड़ेगा, और वो समझने का काम हम लाते हैं तो नेचुरोपैथी में ही मुमकिन है। मुमकिन है क्योंकि जी हम बोलते हैं कि आज हमारा समोसा खाने का मन है, जी आज हमें सोना है, आज दिन भर हमें कुछ काम नहीं करना है, ये हमारा मन कर रहा है। जी ये आपका मन नहीं कर रहा है, ये आपके जी बॉडी की नीड है, नीड जरूरत है है। जी अगर जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक आप जी मॉडर्न दुनिया में चले जाइए या किसी भी चीज़ में चले जाइए, तब तक आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। जी तो कहीं ना कहीं जो हमारे शरीर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन्हें हमें खुद समझना है और अपने अंदर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। जी जी राहुल जी, ये जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, उसी तरह से आपने जवाब भी बहुत ही अच्छी तरह से दिया, और हमारे दर्शक अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं, और काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी आए थे, वो ही मैं आपको पूछ रही हूँ कि जो अभी का एक क्वेश्चन से कि नेचुरोपैथी में अगर किसी को कोई डिजीज़ है और वो जाना चाहता है तो किस तरह से उसका इलाज होता है, और किस तरह से कितना असर बॉडी पे कब तक मतलब होता है, कितने दिन का ये ट्रीटमेंट रहेगा देखिए मैम, अगर कोई नेचुरोपैथी में कोई पेशेंट आना चाहता है जी तो वो मोस्टली आ सकता है, वेलकम है उसका जी हमारे लीलावती नेचर क्योर सेंटर में। जी बुकिंग करें, और बुकिंग करने के बाद उन्हें कुछ निर्देश दिए जाएंगे कि अभी कोविड के थ्रू चलते हुए COVID-19 का टेस्ट करा के आना है, और उसके बाद से और क्या क्या उनको प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या रूल रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, वो हमारे तरफ से बताया जाएगा। जी मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग भी यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, तो हमारा हमारे यहाँ जैसे कि OPD और IPD दो तरीके तरीके से जो है यहाँ पे पेशेंटों को देखा जाता है। OPD मतलब जो आउटडोर पेशेंट हैं, जो कि जी रोज़ अप एंड डाउन करते हैं जामनगर जी से लाखा बावल लीलावती जी नेचर क्योर में। जी और कुछ पेशेंट हैं जो हमारे यहाँ IPD रखते हैं, मतलब IPD जी मतलब इंडोर पेशेंट, जो जी हमारे यहाँ यहाँ स्टे करते हैं। तो हमारे यहाँ जी स्टे करने के लिए रूम्स हैं, जी तीन तरीके के अलग अलग रूम्स हैं, और जी योर चॉइस, आप जिस तरीके का रूम्स लेना जी चाहें उस तरीके से जी रूम ले सकते हैं। जी ठीक है, रूम्स अकॉर्डिंग चूज करने के बाद हमारे यहाँ ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं आपको अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़ के, आपके जिस तरीके से आपका कोई डिजीज़ है, आपकी कंडीशन है, उसके हिसाब से हम आपको ट्रीटमेंट्स देते हैं। जी कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ट्रीटमेंट्स ही लेने हैं, आपके जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब जी से हम डिसाइड करते हैं, और हमारे डॉक्टर्स में और भी डॉक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या क्या आपको ट्रीटमेंट्स लेना है और किस किस टाइमिंग पे लेना है। एक हमारा जी दैनिक दिनचर्या का पूरा शेड्यूल से सुबह 6 o'clock से लेके शाम के 7:30 बजे तक का हमारा पूरा शेड्यूल बना हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। जी वो आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा जी कि हमारा डे बाई से डे का शेड्यूल्स कैसे है। 6:30 से योगा से लेके 8 o'clock ब्रेकफास्ट से लेके 9 to 12 ट्रीटमेंट सेक्शन, एंड जी उसके बाद जैसे जैसे पूरा शेड्यूल्स उसमें लिखा हुआ है और उसको यहाँ फॉलो करना है। जी ट्रीटमेंट्स में हमारे यहाँ मेनली हाइड्रोकोलोन थेरेपी है, जी जो कि बहुत सारे कम सेंटर्स में ही अवेलेबल है। तो जी हाइड्रोकोलोन एक ट्रीटमेंट्स है जो कि हाइड्रोबेस है, मतलब जल के द्वारा किया जाता है, जल से होता है, और ये क्लिंजिंग प्रोसेस है, एब्डोमिनल क्लिंजिंग प्रोसेस के लिए कराया जाता है। जी इसमें हमारे पूरी आंत की सफाई हो जाती है, और जी ये काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट्स है। जी और इसके साथ साथ और भी ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे आपका डुलेक्स हाइड्रोथेरेपी, इमर्शन बाथ, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस, ठीक है, बाकी अदर जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो सब कुछ दिया जाता है। स्टोन थेरेपी हो गया, स्वेडिश मसाज हो गया, देन मसाजेस के वेरिएशन बहुत सारे हैं, मसाजेस भी जी दिए जाते हैं, हॉट जी स्टोन्स थेरेपी है, और बाकी जितनी भी नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स हैं सब कुछ दिया जाता है, विद इन फेसियल मसाज वगैरह भी, फेसियल स्क्रब वगैरह भी, ये सब भी सब कुछ हमारे यहाँ दिया जाता है। जी ट्रीटमेंट्स तो बहुत हैं, जी ट्रीटमेंट्स को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, जी लेकिन ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी ऑलमोस्ट आना चाहता है जी तो मोस्ट वेलकम है, और एक तरीके से यहाँ पे आएँ और ट्रीटमेंट्स का एंजॉय करें। जी बिल्कुल और एक तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप नेचुरोपैथी में आते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स आपको ये मिलता है कि आप एक नेचर में आते हो और प्रकृति में आते हो। तो प्रकृति में आने से आपका क्या होता है कि हरियाली, यहाँ आपको हरियाली जी मिलेगी, यहाँ का बिल्कुल खुद गार्डन है जिसमें जी आपको वेजिटेबल्स मिल जाएंगे, सब्जियाँ ग्रो की जी गई हैं, जी
यहीं के आपको वेजिटेबल्स बाहर से मतलब पूरा परचेज, जिस तरह से ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नेचर, वेजिटेबल्स। ऑर्गेनिक फूड्स, ऑर्गेनिक खाना, सब कुछ इधर ऑर्गेनिक ही मिलेगा, हाँ कहीं भी केमिकल वाली चीज़ आपको यहाँ पे नहीं आके प्रोवाइड नहीं करेंगे नहीं कर सकते जी। जी। और लास्ट में एक क्वेश्चन ये है कि लोगों को ऐसा है कि मैंने पहले आपको बताया कि सबको जल्दी ठीक होना है, ये माइंड में सब लोग चल के चलते हैं, डॉक्टर को बोल देते चाहे जो भी दवाई देनी है दो पट में जल्दी ठीक जल्दी होना ठीक होना चाहता चाहता हूँ। तो नेचुरोपैथी में मेरे ख्याल से कि थोड़ा सा समय देना पड़ता है, तो वो भी हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वो कहना बहुत ज़रूरी है कि लोगों के माइंड में जो है, अगर कोई भी एक डिजीज़ आपको, कुछ भी आपके बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए आपको थोड़ा सा समय लगता है। हम एलोपैथी में जाके तुरंत ठीक हो जाते ऐसा नहीं होता है, तो डॉक्टर इसके लिए आप क्या बताएंगे जी। सही बात है मैडम, जी? आप एलोपैथी में छोड़िए, हमारे यहाँ नेचुरोपैथी में लोग आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि सर हम कितने दिनों में जो है क्योर हो जाएंगे और इसकी क्या गारंटी है। जी तो हमारा एक ही चीज़ का आंसर रहता है कि सर बॉडी पे डिपेंड करता है, किसी का वेट 5 दिन में भी लॉस हो जाता है और किसी का वेट जो है 10 या 12 दिन के बाद लॉस होना शुरू होता है। जी तो डिपेंड ऑन बॉडी, आपके शरीर की एक, हर किसी के शरीर की एक मेटाबॉलिज्म होता है, उस मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग उनका बॉडी का जो वर्कआउट के हिसाब से उनकी मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होती है और उसके बाद उनका वेट लॉस होना शुरू होता है। जी हम मानते हैं कि हमारा शरीर जो है नेचुरोपैथी में आने के बाद कम से कम 21 दिन बाद जो है रिस्पॉन्स करना शुरू करता है, मतलब अपने आप को क्योर करना शुरू करता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो पेशेंट्स भी आते हैं वो कम से कम 21 से 32 दिन का समय लेके आए नेचुरोपैथी में, अगर अपने आप को क्योर करना है तो। जी क्योंकि जब बॉडी को आपको समझना है और अपने आप को क्योर करना है, अपने अंदर से टॉक्सिन्स को निकालना है, तो वो तभी संभव है जबकि आप अपने शरीर को एक अच्छा खासा समय दें और जी अपने लिए दें। हम जी अपने लिए नहीं मांग रहे हैं ये समय, आपके लिए मांग रहे जी हैं। जी जी तो अगर आप कम से कम 21 से लेके 32 डेज का समय देते हैं तो आप अपने बॉडी को क्योर कर सकते हैं। जी और रही बात जस्ट आपने जैसे पूछा मैम कि क्या नेचुरोपैथी में आने के बाद लोग बोलते हैं कि जल्दी से क्योर हो जाना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नेचुरोपैथी एक ऐसी पैथी है, एक ऐसी विद्या है जो कि आप अगर आप सीख लेते हो तो आपको लाइफ टाइम तक डॉक्टर के जाने के पास ज़रूरत नहीं है। आप उसको फॉलो करते रहोगे तो जी आपको शायद बहुत जल्दी भी रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि उसको आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे फॉलो करते हो। क्योंकि जी हमारे यहाँ जब पेशेंट आते हैं तो फर्स्ट या सेकेंड डे से ही उनको डाइट अच्छा नहीं लगता है, कहते हैं ये बॉयल जी वेजिटेबल दे दिया, जी ये खाना जी नहीं खाना जी मुझको। लेकिन सच मायने में अगर आप नेचुरोपैथी को अगर समझना है तो आपको कहीं ना कहीं डाइट को फॉलो करना पड़ेगा जी और उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स मिल सकता है। जी जितना जल्दी आप डाइट को फॉलो करना सीख लोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। जी 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 राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमने नेचुरोपैथी क्या है उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी दी है, राहुल जी ने अच्छी तरह से समझाया भी है। अगर आप इस तरह से फॉलो करो, अगर आपको कोई डिजीज़ है, अगर आपको कोई बीमारी है, आप बीमारी से परेशान है, तो ज़रूर यहाँ पे लीलावती नेचर क्योर सेंटर जो जामनगर में आया है, लाखा बावड़ में है, तो वहाँ पे आके विजिट करिए। आपको नीचे जो स्क्रॉलिंग में नंबर भी दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर, वहाँ पे भी कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो राहुल जी धन्यवाद, फिर से ही हम नेचुरोपैथी के बारे में आगे और भी एपिसोड करेंगे और हम बात करते रहेंगे आपके साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार।